हाय फ्रेंड्स, आज आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं कि मोबाइल से आप ई श्रम कार्ड बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ्री में। तो देखिए दोस्तों, तो चलिए हम इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहे हैं कि ई श्रम कार्ड आप अपने मोबाइल से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कॉमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। तो सबसे पहले चलते हैं अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र में। मैं क्रोम ओपन करता हूँ यहाँ पर, और देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आ गया है। यहाँ पर हमको सर्च करना होगा www.ई श्रम कार्ड। देखिए दोस्तों, जैसे ही मैं ई श्रम किया, यहाँ पर ई श्रम.gov आ गया। तो दोस्तों, इस वाला पे हम क्लिक करते हैं, तो देखिए इस तरह से खुलेगा दोस्तों। तो यह दोस्तों, सबसे पहले आपको फर्स्ट वाला में आना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ई श्रम, तो इसमें हम क्लिक करते हैं और देखिए खुल रहा है। तो दोस्तों, बहुत आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हैं ई श्रम कार्ड अपने मोबाइल फ़ोन से। आपको किसी भी प्रज्ञा केंद्र में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे ही ई श्रम कार्ड अपने मोबाइल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जैसे खुल गया है ई श्रम, जो सरकार का जो वेबसाइट है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, रजिस्ट्रेशन ऑन ई श्रम, फिर पेंशन फॉर 3 मंथ रजिस्टर ऑफ मंथन डॉट इन। देखिए दोस्तों, ये इसमें 10,66,28,973 ई श्रम कार्ड इशू हो गया है। ये इस तरह से आएगा, देखिए ये अब यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो तीन डॉट है, इस पर क्लिक करते हैं, और देखिए दोस्तों, यहाँ पर है ई श्रम पोर्टल। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से खुलेगा। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है रजिस्टर फॉर ई श्रम। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से आ गया है। यहाँ पर पहला ऑप्शन बोल रहा है रजिस्ट्रेशन इज टोटली फ्री रजिस्ट्रेशन ऑन ई श्रम, और इसमें लिखा हुआ ऑलरेडी रजिस्टर अपडेट। तो दोस्तों, हमको इस वाले पे जाना है जो रजिस्ट्रेशन इज टोटली फ्री लिखा हुआ है। हम इस वाला पे क्लिक करेंगे, उसके बाद इस तरह से इंटरफेस खुल कर सामने आ रहा है। देखिए दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब कर दिएगा, और लाइक और शेयर करना ना भूले। अपने भाई का सपोर्ट कीजिए दोस्तों, प्लीज़। तो देखिए दोस्तों, जो आपका आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा, आपको यहाँ पर वो डालना होगा। जैसे मेरा मोबाइल नंबर मैं डालता हूँ, जैसे तो देखिए दोस्तों, मैं मोबाइल नंबर डाल दिया। अब यहाँ पर ये कैप्चा कोड डालना है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है इंटर कैप्चा कोड। तो ये हम यहाँ पर जो पूछ रहा है कैप्चा कोड, वो हम डालते हैं। तो बड़ी आसानी से आप इस श्रम कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं घर बैठे हुए भी। तो देखिए दोस्तों, इस मोबाइल नंबर पे आधार लिंक मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। तो ये हमको OTP यहाँ पर डालना है, कुछ देर वेट करते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा OTP आ गया है। अब ये हमको डालना यहाँ पर है, क्या है OTP 8998885। तो यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन है, यहाँ पर हम सबमिट कर देंगे। यहाँ पर पूछ रहा है आधार नंबर, तो दोस्तों जो आपका आधार नंबर है, वहाँ यहाँ पर आपको डालना है। दोस्तों जैसे मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ आधार नंबर अपना, यहाँ पर मैं सबमिट कर दिया। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर अपडेट प्रोफाइल, आपका आधार कार्ड ई श्रम कार्ड बनाने में अगर गलत हो गया कुछ भी, तो यहाँ पर इस पर क्लिक करके आप अपडेट कर सकते हैं। उसका भी वीडियो मैं अलग से बना दूंगा अपडेट का। और यहाँ पर हमको फ़िलहाल अभी डाउनलोड करना है, हम डाउनलोड वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। चलिए मैं डाउनलोड वाला ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, और देखिए दोस्तों, जैसे मेरा ये ई श्रम कार्ड बना हुआ है, तो ये मेरा ई श्रम कार्ड यहाँ पर आ चुका है। और यहाँ पर लिखा हुआ डाउनलोड UAN कार्ड, तो यही है। देखिए इस तरह से ई श्रम कार्ड
अब यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है, या जैसे यहाँ पर हम डाउनलोड करते हैं, देखिए यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करते हैं तो डाउनलोड हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये PDF फाइल में बन कर आएगा। तो ये डाउनलोड हो रहा है अभी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो PDF फाइल है वो डाउनलोड होकर खुल रहा है। तो ये इस तरह से बनकर आपके सामने आएगा ये श्रम कार्ड। ये आप जाकर इसको निकलवा कर प्रिंट करके रख सकते हैं आप। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों का कैसा इस वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने भाई को फुल सपोर्ट करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगा।